महासमुंद नगर के वासी, मैं आप सभी का यहाँ पे उपस्थित जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आके ये नक्सलवाद को, नक्सलियों को बता दिया है कि महासमुंद की जनता भी नक्सलियों के खिलाफ, और जो हमारे पुलिस अफसर सीआरएफ के 76 जवान लोग शहीद हुए हैं, उनकी शहादत का रंग, उनकी शहादत का खून हम फीका होने नहीं देंगे, और महासमुंद की जनता भी उनके हक की आवाज, और जो आज उनके घर के परिवार के साथ बिता है, वो कल जैसे कि मैडम निरंजना शर्मा जी ने बताया कि हमारे साथ भी हो सकता है, बिल्कुल, जब दंतेवाड़ा में इतना बड़ा शहीदों को, सीआरएफ जवानों को शहीद कर सकते हैं, तो कल महासमुंद में भी आके हमारे साथ भी हो सकता है। इसके लिए हमें एकजुटता से लड़ाई लड़ना होगा, और नक्सलियों के खिलाफ हमें आगे आकर हमारे शहीदों का जो रंग, जो खून का जो रंग था, उसे जमने देना है, और महासमुंद की जनता उन्हें बताना चाहती है कि हम भी उनके परिवार के साथ नक्सलवाद के खिलाफ सरकार के साथ हैं, और बिल्कुल हम भी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मैं मानता हूं, और मैं सोचता था, मैं अपना विचार कि हमें नक्सलियों से बात करना था, बात करना चाहिए, क्योंकि बात के जरिए ही कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है, परंतु आज उन्होंने जो किया है वे बात करने की और उनसे कुछ भी परिचित करने की बात नहीं है। हमें उनके खिलाफ जंग लड़ना है, और मेरे जितने भी युवा साथी हैं उसे यही अनुरोध करूंगा कि वे नक्सलवाद के खिलाफ आगे आए, और भारत देश को, महासमुंद और छत्तीसगढ़, तमाम जो नक्सलवाद से प्रेरित हैं, जो नक्सलवाद हिंसा में डूबे हुए हैं, उनसे हमें हटना और आगे बढ़कर हमें भारत की भूमि को, छत्तीसगढ़ की भूमि को पवित्र करना है, और ऐसे लोगों का खात्मा करना है। इसी के साथ यहाँ पे आए तमाम लोगों से अनुरोध करता हूँ, आए और शहीदों के सदक में दीप जलाकर उन्हें नमन श्रद्धांजलि करें, यही अपील आपसे करना था। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।